एमजे अकबर को बचा रही है मोदी सरकार। कैबिनेट से कब होगी अकबर की छुट्टी? बीजेपी के अकबर का क्या होगा? केंद्रीय मंत्री एमजे अकबर पर आरोप लगने के बाद से मोदी सरकार पर इस बात का दबाव है कि उन्हें मंत्रिमंडल से बाहर किया जाए। हालांकि अभी तक कुछ केंद्रीय मंत्री एमजे अकबर का बचाव करते नजर आ रहे हैं, लेकिन जिस तरह से मीटू मुहिम चल रही है, इससे लगता नहीं है कि सरकार ज्यादा दिन अकबर का बचाव कर सकेगी। ऐसा भी हो सकता है कि सरकार इस मामले से पल्ला झाड़ ले और खुद अकबर पर फैसला छोड़ दे। उधर केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने इस मसले पर साफ कह दिया है कि एमजे अकबर पर जो आरोप लगे हैं वो उस वक्त के हैं जब वो सरकार में नहीं थे। ऐसे में सरकार इस मसले पर कुछ नहीं कर सकती। फिलहाल सरकार किसी जल्दबाजी में फैसला नहीं करना चाहती। अकबर अभी विदेश दौरे पर हैं और जल्द ही स्वदेश लौटेंगे। ऐसे में बहुत से लोगों का कहना है कि किसी कार्रवाई से पहले अकबर का भी पक्ष जान लेना ठीक होगा। एक दलील यह भी दी जा रही है कि अकबर के खिलाफ अभी तक कोई आधिकारिक शिकायत दर्ज नहीं हुई है। ऐसे में सरकार को अभी किसी कार्रवाई से बचना चाहिए। दूसरी तरफ जिस तरह से महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने जांच कमेटी के गठन की बात कही है, उससे इस बात के संकेत हैं कि सरकार इस मसले पर गंभीर है और आरोपों का सच जानने के बाद कोई फैसला लेगी। इसके अलावा चुनावी साल में सरकार विपक्ष को कोई मौका नहीं देना चाहती। एक दलील और सामने आ रही है जिसमें यह कहा जा रहा है कि अगर अकबर के मामले में सिर्फ आरोपों के आधार पर कार्रवाई की जाती है तो ऐसे कई मामले सामने आ सकते हैं। अकबर के मामले में सरकार के लिए राहत की बात यह है कि यह सरकारी कामकाज से जुड़ा मसला नहीं है, लेकिन मोदी सरकार को यूपी से सबक लेना चाहिए, जहां उन्नाव में भारतीय जनता पार्टी विधायक पर रेप के आरोपों के बाद योगी सरकार की काफी फजीहत हुई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, रेड नेटवर्क। आप देख रहे हैं रेड नेटवर्क। आपसे गुजारिश है YouTube पर रेड नेटवर्क से जुड़ने के लिए इस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब बटन के साथ ही घंटी बनी हुई है, उस पर जरूर क्लिक करें ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें आपको तुरंत इसकी जानकारी मिल जाए और आप लगातार जुड़े रहें रेड नेटवर्क के साथ।